आज दिल्ली में बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, शाह नड्डा, विजय वर्गीय, दिलीप घोष और मुकुल रॉय समेत कई बड़े लीडरान होंगे शामिल। आज शाम 6 बजे बीजेपी सीईसी की मीटिंग, बंगाल की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बीजेपी कारकुनान के कत्ल का लगाया इल्जाम, कहा बंगाल के अवाम ममता से लेंगे इसका हिसाब। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी की आज 4 रैलियां, चंडीपुर असेंबली में 1 और कांठी में 3 रैलियों को करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल के चुटला असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार एमपी लॉकेट चटर्जी आज ताबड़तोड़ करेंगी रैलियां, चुटला में आज 4 अवामी रैली को करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज 2 रैलियां, झारग्राम और लालगढ़ के अलावा गोपी बल्लभपुर में भी करेंगी अवामी रैली। आज शाम 4:30 बजे कोलकाता में जारी होगा टीएमसी का इंतखाबी मंशूर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद इसे टाल दिया गया था। बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा इल्जाम, कहा मेरे कत्ल की साजिश रची जा रही है बीजेपी की जानिब से, इलेक्शन कमीशन के जरिए टीएमसी को फंसाने की हो रही है कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने दिया ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब, ममता के इल्जाम पर तर्क टिप्पणी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। बंगाल के विष्णुपुर में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार बनते ही ओबीसी में कुछ और जातियों को जोड़ा जाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए दिलाएंगे हक। बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के रथ में तोड़फोड़, ड्राइवर पर भी किया गया हमला, टीएमसी कारकुनान पर लगा इल्जाम। मगरबी बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कारकुन का लाश मिलने से मचा हड़कंप, पीर की रात से लापता था बीजेपी का कारकुन, टीएमसी पर कत्ल का इल्जाम। बंगाल के बाद आज असम में भी इंतखाबी रैली को खिताब करेंगे यूपी के सीएम योगी, असम के होजाई असेंबली हलके में सीएम योगी करेंगे अवामी रैली। कोयला खनन घोटाले के कलीदी मुलजिम अनूप माझी के अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाप्त, मुलजिम ने रियासती हुकूमत के अनुमति के बिना सीबीआई को चैलेंज को दिया चैलेंज। अवैध कोयला खनन मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी के करीबी विकास मिश्रा के भाई विनय मिश्रा को किया गिरफ्तार, 6 दिन की हिरासत में भेजा गया विनय मिश्रा। तमिलनाडु इंतखाब के लिए कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, पुडुचेरी चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मार्च को बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे वजीर आजम मोदी, दोनों ही ममालिक के दरमियान 3 अहम समझौते होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज वजीर आजम मोदी सभी रियासतों के वजरा आला के साथ करेंगे मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12:00 बजे होगी मीटिंग। पीएम मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का हवाला देकर छोड़ा पद। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में वजीर आजम मोदी ने फिनलैंड की पीएमसी की बात, कोविड पैंडेमिक को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी ने अपने लोकसभा रुकने पार्लियामेंट को जारी किया व्हिप, आज सभी रुकने पार्लियामेंट को लोकसभा में रहने को कहा। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल के बीच वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान, सभी बैंकों का नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन, मुलाजमीन के हितों का रखा है ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए मुल्क में बनेगा नया बैंक, मरकजी कैबिनेट की जानिब से डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दी गई मंजूरी। केरल के साबिक कांग्रेस लीडर पीसी चाको एनसीपी में हुए शामिल, केरल असेंबली इंतखाब में टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे थे कांग्रेस से नाराज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान लीडर राकेश टिकैत की महापंचायत, मकामी किसान लीडरान को भी शामिल होने के इम्कान। स्कॉर्पियो केस में एनआईए के खुलासे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर देर रात तक चली मीटिंग, अनिल देशमुख मुंबई के सीपी परमवीर सिंह और डीजी रहे मौजूद। मुकेश अंबानी और मुश्ताबा स्कॉर्पियो केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार सचिन वाजे की मर्सिडीज कार को एनआईए ने किया जब्त।
सचिन वाजे की मर्सिडीज से 5 लाख रुपए नोट गिनने वाली मशीन और मुश्तबा कपड़े बरामद, एनआईए कार की जांच में जुटी। मुंबई के गोरेगांव में झुग्गी बस्ती में लगी शदीद आग, फायर फाइटर्स की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग से हुआ लाखों का नुकसान। दिल्ली में जल्लाद बेटे ने बुजुर्ग मां को मारा जोरदार थप्पड़, चोट लगने से मां की मौके पर ही मौत, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 17,864 नए मरीज आए सामने, 87 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 425 नए मामले आए सामने, एक शख्स की मौत, कुल 6,44,489 हुए अब तक, 10,945 की मौत। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे, हर हफ्ते 20 लाख कोरोना वैक्सीन डोज देने की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटे में कोरोना के 3,574 नए मरीज आए सामने, जबकि 12 लोगों की हुई मौत। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर बीसीसीआई हुआ अलर्ट, बीसीसीआई ने सभी घरेलू टूर्नामेंट को किया रद्द। अकाली दल सदर सुखबीर सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, पंजाब के वजीर सेहत बोले रियासत में कोरोना की यह तीसरी लहर। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे तमाम ममालिक में एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन के बाद ईएमए करेगा पूरे मामले की जांच, वैक्सीन लेने के बाद मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग की आई थी शिकायत। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन में शिकायत के बाद डब्ल्यूएचओ ने सभी मुल्कों को किया आगाह, कहा वैक्सीन को मान्यता देने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह से हो जांच। वेनेजुएला में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नहीं, तमाम ममालिक में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर वक्फ बोर्ड के प्रशासक को किया नियुक्त, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बने के प्रशासक बने। यूपी के प्रयागराज में 7 लोगों की मुश्तबा मौत, मकामी लोगों ने जहरीली शराब पीने से बताया मौत, इंतजाम ने किया इनकार। यूपी के आगरा में शौचालय में गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस से 5 शख्स की मौत, सीएम योगी ने मरने वालों के अहले खाना को 2-2 लाख का दिया मुआवजा। नोएडा के सेक्टर 151 में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने कार, 2 तमंचा और धारदार हथियार किया जब्त। नोएडा के सेक्टर 93 में झाड़ियों में लगी आग ने टायर से हवा भरने वाले सिलेंडर को लिया जद में, सिलेंडर से गैस का रिसाव होने से भड़का आग। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने इलीगल हथियार की फैक्ट्री का किया इंकशाफ, 7 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ 2 मुलजिम गिरफ्तार। यूपी के औरैया में नजीर बनाकोट, 4 साल के मासूम से रेप के मुलजिम को 55 दिनों में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी के चंदौली में ट्रक और बाइक में बीच टक्कर, हादसे में एक खातून की मौत, 2 की हालत संगीन। 1 जून की बजाय अब 10 मई को खुलेगा हेमकुंड साहिब का कपाट, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के बाद दी जानकारी। यूपी के रामपुर में शराब माफिया राजेंद्र सक्सेना पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, शराब माफिया पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 51 लाख की इमलाक जब्त। यूपी के बरेली में शेयर वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रिजवी के खिलाफ FIR, वसीम रिजवी पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। नोएडा अथॉरिटी ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से किया मुक्त, जमीन पर इंक्रोचमेंट करके चलाई जा रही थी नर्सरी। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी में डूबे 5 इंजीनियरिंग के छात्र, 2 की मौत, 3 को बचाया गया, नदी में नहाते वक्त सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के मेरठ में सरधना नगर पालिका परिषद की मीटिंग के दौरान सभासद ने की खुदकुशी की कोशिश, वार्ड के काम न होने से है परेशान। यूपी के देवरिया में डिग्री कॉलेज के हॉस्टल का गेट और दीवार गिरी, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 जख्मी। यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर विकास दुबे का बहनोई कृष्ण गोपाल दीक्षित पर कागजात में हेरफेर और पुलिस को फर्जी जानकारी देने का इल्जाम।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी मुलाजमीन को दिया होली का तोहफा। सातवें वेतनमान के एरियर के अंतिम किस्त की 75% राशि जारी करने के दिया कमाल। 17 अप्रैल को होगा मध्य प्रदेश के दमोह में असेंबली का बाई इलेक्शन। 2 मई को आएंगे नतीजे। एमएलए राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी के बाद बीएसपी एमएलए रामबाई के शौहर की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की छापेमारी। देवेंद्र चौरसिया कत्ल के मुलजिम है गोविंद सिंह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के ब्लॉक सदर की गोली मारकर कत्ल। अहले खाना ने जिला अस्पताल में किया हंगामा और तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के भिंड में मिलावटी दूध के धंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने हरिओम डेयरी पर मारा छापा। 2 टैंकर और 33,000 लीटर नकली दूध के जब्त। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में नाबालिग से रेप के मुलजिम को 51 साल की जेल। 5 अलग अलग दफात के तहत मुजरिम पाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सख्त हुआ इंतजामिया। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। रैली और धरना प्रदर्शन पर भी लगी रोक। भोपाल में बाबूलाल की कांग्रेस में एंट्री का मुखालफत करना। कांग्रेस लीडर मानक अग्रवाल को पड़ा भारी। अनुशासन कमेटी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश की भिंड में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 9 लाख रुपए के जेवरात, 2 कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निजी कंपनी के गोदाम में लगी शदीद आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अफसरान के साथ शराबबंदी की समीक्षा की। नीतीश ने शराबबंदी को सख्ती से नाफिज करने के दिया कमान। बिहार के वजीर राम सूरत राय ने भाई के स्कूल से शराब मिलने के दावे को बताया गलत। कहा, तेजस्वी पर मानहानि का करूंगा केस। कोरोना के सबब बिहार में बिना एग्जाम दिए प्रमोट किए जाएंगे 5वीं से 8वीं तक के तलबा। कोरोना के सबब सिलेबस के पीछे होने की वजह से लिया गया फैसला। बिहार के गया में सिक्योरिटी अहलकारों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम। सिक्योरिटी अहलकारों ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। 3 AK-47 और 1 इंसास राइफल और कसीर मकदार में गोला बारूद बरामद। बिहार के समस्तीपुर में चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर 3 नाबालिगों की से मारपीट। दुकानदारों ने बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। बिहार के अररिया में टोल टैक्स को लेकर तनाजा। मकामी मुखिया और टोल मुलाजमीन के दरमियान मारपीट। मकामी लोगों ने टोल प्लाजा पर की जमकर तोड़फोड़। झारखंड के धनबाद में 2 गुटों के बीच हिंसक विवाद। जमकर चली गोलियां। कोल डंप को लेकर चल रहा था तनाजा। औरंगाबाद की एक निजी आईटीआई में जमकर तोड़फोड़। करीब 10 बदमाशों ने संस्थान में घुसकर की मारपीट और 50,000 रुपये लूटे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड में नौकरियों में युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण। सीएम हेमंत सोरेन ने तकनीकी बेरोजगारों को भत्ता देने का भी किया ऐलान। बिहार के अरवल में पुलिस ने 5,000 लीटर स्पिरिट से भरे हुए टैंकर को पकड़ा। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप। 20 दरिंदों ने नाबालिग को बंधक बनाकर 9 दिनों तक किया गैंगरेप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कार में गैस रिफिलिंग के दौरान लगी आग। देखते ही देखते कार जलकर हुई राख। राजस्थान के भीलवाड़ा में खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 1 पोकलेन, 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। राजस्थान के टोंक में परिवहन विभाग की बस पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर हुए जख्मी। राजस्थान के उदयपुर में 6 साल के बेटे के साथ खातून ने लगाई कुएं में छलांग। डूबने से दोनों की मौत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के घेराव के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई। अकाली लीडर विक्रम मजीठिया समेत 9 MLA के खिलाफ FIR। वजीर खजाना का बड़ा बयान, मुल्क भर के सभी बैंकों का नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन। बैंक मुलाजमीन के हित का पूरा रखा जा रहा है ख्याल और मुस्तकबिल में भी रखा जाएगा ख्याल। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए नहीं होगी पैसे की कमी। खजाना मुहैया कराने के लिए विकास वित्त संस्था की स्थापना को कैबिनेट से मंजूरी।
भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज आखिरी वनडे, प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरेगी महिला क्रिकेट टीम। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु के पास खिताब जीतने का मौका, आज से शुरू हो रहे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी सिंधु।